जो मारवाड़ी चैनल अब भिनमाल में आई हो रही है अतः जो प्रदेश स्तर की जो बैठक थी पालती अभी ना राजस्थान में हमारी पालती है और अनुरा प्रदेश से माए जितने भी लोग जुड़े हो रहे हैं ये सब लोग आई हो रहा है और इतने संरक्षक भी है। अरे सर आज अभर से मैं खबर दे गया आपने चर्चा आ गई सुनना हमारे बाद में आके कहीं जैसे आप रहे सुना भी हुएगी सर और अखबार आके कही मीटिंग ये वास्ते करी ताकि मैं लोग आगे आने वाला चुनाव की तैयारी कर सका। पहला जो चुनाव पहला प्रयास हो पहला प्रयास में पहला पेपर में ही अगर क्वेश्चन समझ में आवे लेकिन दूसरा चुनाव में आपा पक्की तैयारी चुनाव लड़ा। आ मीटिंग भीनमाल में ही वास्ते खास करी कि भीनमाल वह जगह है जी जगह हूँ भारत में एक बहुत बड़ा परिवर्तन 7वीं-8वीं शताब्दी में हो भी चीज़ ने याद करने वास्ते भी इतिहास ने दोहराने वास्ते मैंने भीनमाल को चुनाव करिया। आज माँ की प्रदेश की कार्य समिति की बैठक ही पर मैं 2021 की माँ की कार्य योजना तैयार करी है ताकि 2021 में मैं लोग राजस्थान की जनता की एक मुखर आवाज़ बन सका और राजस्थान की जनता ने लगे कि माँ की बात करने वाला कोई है ये वास्तव में भीनमाल में बैठी हुआ। सर आपकी खबरें ज़्यादातर मैं सोशल मीडिया में देखी है और अखबार की सुर्खियों में या टीवी चैनल में देखने आते हैं। हम अपनी योजना में माँ की योजनाओं चल रही है और माँ की योजना है कि पहले मैं सोशल मीडिया में माँ की मजबूती कराँ फील्ड में माँ की मजबूती कराँ माँ संगठन मजबूत कराँ और अभी के बाद में मीडिया के लोगों के सामने जावा मैं लोगों बार लालायक भी को नहीं आगे मीडिया मान दिखावे या फिर माँ कोई हतोत्साहित हो रही है माँ की आपकी योजना है भी योजना के अनुसार में चल रही है। देश पे मैं छोटा स्तंभ हूँ मीडिया और आप उनको एक अलग मान रहे हैं। अब वो चौथा स्तंभ रही नहीं है जबकि बात चौथा स्तंभ की बात रही को नहीं और वो जिस तरह के स्तंभ के बारे में बात करने पहुँचा हूँ लेकिन एक पाँचवा स्तंभ सोशल मीडिया खड़ो हो गया और भी स्तंभ को सारा लेर में लोग खड़ा होता है। मेन मुद्दा का है हमारा मुद्दा खूब सारा है और मैं ज़्यादातर मुद्दा जगह हमारा गया वास्ते है गया ने बचावनी है युवा लोग हैं जगह को भविष्य सुरक्षित करना है किसाना ने बैंक की फसल को उचित मूल्य मिल सके इंग माद में काम कर रही है राजस्थान की प्रकृति बचे संस्कृति बचे इंग माद काम कर रही है और राजस्थान को जो शासन है वो और जनता नेड़ी है आपस में और आपस में वे एक दूसरा को विकास करें इनके वास्ते मैं लोग काम करें। सर आप जैसे करिए गायो आज जैसे बीजेपी भी राजनीति में आई वनते में एक गायरो एक नारो लगे तो गाय हमारी माता है और अनेकों प्रकार दिए जैसे राम मंदिर बनावनी पड़ी तो एरो नहीं भेज आपकी भी पार्टी एक बीजेपी के ऊपर नहीं मैं लोग एक राजनीतिक पार्टी भी को नहीं है राजनीतिक पार्टी इधर का मुद्दा करें बात करें और भूल जाए वे किया भी करें राजनीति भाई जगह में आप वादा करो और भूल जाओ मैं लोग नीति में तो मैं लोगों बाद में आँख भी कौन मिला सका अगर मैं जो कि बात कह रही अभी पर काम नहीं करा तो मेरे वास्ते मुश्किल हो जैसी मैं लोग गाय माता ने बचाने वास्ते नहीं कह रही कर रही माँ कह रही गाय माता ने की कर बचावा की पूरी योजना के साथ बात कर रही है केवल माँ गौ माता कर लोगों ने धार्मिक नहीं बनाना चाह रही मैं लोग गाय को जो समाज में आर्थिक महत्व भी स्थापित करनी चाहवा और मगन एक पूरी योजना जगह गाय स्थायी रूप में बन सके। सर आप राजस्थान में का कमी देगी जो आपने ऊपर में पूरी राजस्थान में सारी कमी राजस्थान नहीं पूरा भारत में कमी है और जो व्यवस्था है अंग्रेजा की बनाई हुई व्यवस्था सड़ चुकी है पूरी सड़ चुकी नहीं चाहूँ ये व्यवस्था में कोई गुंजाइश नहीं आप जितनी लिपा पोती करो लाभ नुकसान वेला ये वास्ते मैं चाहूँगा कि एक नई व्यवस्था को निर्माण हुए जगह की उम्मीद है अपना स्वतंत्रता सेनानियाँ नहीं भगत सिंह नहीं सुभाष चंद्र बोस नहीं भी नई व्यवस्था को निर्माण करा और भी मैं चलाऊँ। सर एक सवाल वो भी है कि अन्य जो आप कह रही हो राजनीति से आ ले रही है जो अन्य में प्रशासन की लापरवाही है या नेताओं लापरवाही करे या जनता घूम सुम बैठी है जनता मुख्य रूप में जो कि जनता है वह 1000 साल तक गुलाम रही है अभी गुलाम की मानसिकता के कारण जनता को मैं जिम्मेदारी को भाव नहीं आवे जनता में जागरण नहीं है जनता में लोकतंत्र की भावना विकसित नहीं हुई है और आज भी वह पुरानी परंपराओं अपनी सरकार ने चलानी चाह रही है और सरकार भी जनता ने भी हिसाबों चलाने चाह रही है जिस बात हिसाबों राजा महाराजा मुगल या अंग्रेज चलाऊता है जनता को जन जागरण माँ को पहला उद्देश्य है जनता को जन जागरण हो जाए तो सरकार और समाज में बड़ा परिवर्तन आए। राजस्थान में अक्सर बीजेपी ने और कांग्रेस से जा रही है बीजेपी पालती नहीं अब आरोपी फिर कारण वहाँ कोई दूसरी पार्टी सही ढंग तैयारी नहीं करी अधिकतर जो कि पार्टियाँ बनी वे जातिवाद के आधार पर बनी एक जाति मिल जाओ दो जाति मिल जाओ तीन जाति मिल जाओ इस तरीके की बातें करी वे बातें ज़्यादा लंबी चली कोने और माँ को जो को विचार है और पूरा सारा समाज ने साथ लेर चालन को विचार है और विकास और लोकतंत्र मत आधारित है माँ की जो कि पार्टी खड़ी वेला तो आप केवल राजस्थान वास्ते नहीं भारत के वास्ते एक बहुत बड़ा उदाहरण वेला कि इस तरीके के लोग भी सोच रहे थे। हमारी पार्टी राजस्थान का लगभग 25 जिला में मैंने सक्रिय है और आने वाला टाइम में मैं 33 जिला में सक्रिय हो जाऊँ ब्लॉक स्तर तक। आई जो मीटिंग में का फैसला लिया ये मीटिंग में आई फैसला लिया कि 2021 में माने अभिनव राजस्थान को ट्रेलर दिखाना कि अभिनव राजस्थान इन प्रकार को वेला इनको ट्रेलर दिखाना अगर राजस्थान की जनता जागरूक हुए और एक संगठित समूह काम करे तो वो राजस्थान की सरकार ने और समाज ने की इनकी दे सके। जालौर में तो काफ़ी समस्या और पानी ने लेने हिसाब की हम लोग एक्चुअल में जालौर और बाड़मेर की सबसे बड़ी समस्या एक पानी नर्मदा नहर परियोजना में 2008 में जो अपना हिस्सा सुरक्षित हो दी के अनुसार 2.25 लाख हेक्टर जमीन में सिंचाई होनी चाहिए लेकिन 2.25 लाख हेक्टर में सिंचाई नहीं हुई गुड़ामालानी ने और साचौर का एरिया ने वो लाभ सिंचाई को नहीं मिलियो
और कमाल की बात है कि भीनमाल और जालौर जिले का शहर है जगह भी हाल पानी तरस रही है पीना का पानी नहीं, पास में 10 किलोमीटर बाद नहर है और अटू आप पाइपलाइन ला और भीनमाल का लोगों ने पानी नहीं पा रहे हैं, बड़ी शर्म की बात है। ये वास्तव में चुने राजस्थान में ऑपरेट जालौर मुख्य मंत्री भी है शुभराम जी, फिर भी वो कौम नहीं भेजी मतलब आप चाहे आपके चाहे मंत्री हो मुख्यमंत्री हो इन्हों कोई फर्क नहीं पड़े। हाँ क्यों की बात है कि मंत्री और वो सारा काम करा सके, असल में जनता जितने जागरूक नहीं है जितने इस तरीके का काम चलेगा। अब राजस्थान का हर जिला में मंत्री रह लिया मुख्यमंत्री रह लिया लेकिन बस जिला की स्थिति खराब है तो मंत्रियां मुख्यमंत्रियों की बस की बात को नहीं, अब बस की बात है केवल जनता की। अगर वह सजग रहे तो भले ही मां को मंत्री नहीं हुए तो भी वह काम करवा सके। राजस्थान में सरकार जितनी भी आ रही विकास नहीं लेने जाओ करे कोई जन जागृति नहीं फैलाती नहीं विकास ने ले राजस्थान की कोई भी पार्टी बात नहीं कर रही, बांगन विकास को कोई एजेंडा नहीं है, बांगन कोई एजेंडा नहीं। एक शिक्षा इन प्रकार की होनी चाहिए, खेती इन प्रकार की होनी चाहिए या स्वास्थ्य के मायने या सुविधा विकसित होनी चाहिए, इन तरीके की बातें कौन करे। वे लोग केवल जुमलेबाजी करें छोटी छोटी सी और भी पलट जाए तो बांगन विकास की कोई आज तक बात को नहीं। मैं आज तक राजस्थान का कोई मुख्यमंत्री को राजस्थान को एक प्लान 5 साल को 10 साल को 15 साल को है इन तरीके की बात कभी सुनी नहीं। आपने अपनी मीटिंग में जैसे कि 2 साल कम से कम सोचे पुलिस ने ट्रांसपोर्ट करना तो अतः राजनीतिक दबाव डाले दूर दिन में अगर उन्हें तबादला करिए तो हमने कहा भी वो बिल्कुल गलत है और बिल्कुल असंवैधानिक है। राजस्थान को जो को कानून है राजस्थान पुलिस अधिनियम 2007 ये मैं स्पष्ट लिख रहा हूँ कि कोई भी पुलिस अधिकारी है भी की नियुक्ति 2 साल वास्ते वेला ताकि वो अपना बाल बच्चा ने लेर उठे रह सके आपकी जिंदगी व्यवस्थित कर सके। 2 साल पहले अगर आप कोई पुलिस अधिकारी को ट्रांसफर करो चाहे SP को करो चाहे आप थानेदार को करो चाहे सिपाही को करो आपने लिखित में कारण देना पड़ेगा आप ट्रांसफर क्यों करें। तो भी वास्ते मैं लोग कोशिश करा कि आइंदा आज की हरकत हो रही है राजनीतिक दबाव में ट्रांसफर करने की अब बंद हो जाए, अगर कोई गलती करे तो पनिशमेंट दो, इन्हें ट्रांसफर कोई पनिशमेंट नहीं है। आपने पार्टी गरीब तक पहुँचे दिए जबकि आपको आरती लिखा तो आरती हर तो पढ़े लिखे आदमी जरूर भी मगर साथ पूरा पढ़े लिखे लोग ही है माना पढ़े लिखे लोगों की पार्टी किया करें क्या पार्टी है जो कि पढ़े लिखे लोगों की पार्टी है। RTI में लोग लगाया करा कोई आदमी को पीछे कौन करा कोई आदमी ने ब्लैकमेल कौन करा मौका जगह साथी है मैं RTI लगाया कर जनहित का मुद्दा मात्र जो भीनमाल में मैं RTI लगा तो पूछा कि भाई ये योजना की प्रोग्रेस धीमी क्यों है एक बारे में लगाया करा ना कि मैं भीनमाल का SDM की कोई जांच कराया या भीनमाल का डिप्टी की या कि नगर पालिका का अधिशासी अधिकारी की जांच करा इनमें कोई ज़्यादा रुचि कौन ले। आज जो फैसला तो आपने मीटिंग में नरब डाल ले तो अन्य मुख्य का उद्देश्य निकलियो का अन्य फैसला लीजिए बचा देना तो काम करो या निकलो। मैं लोग आते करें अगला होने वाला 2-3 महीने जालौर जिला का गाँव में जन जागरण करा कि आ योजना है इतना साल में आपने पूरी होनी चाहिए थी अब पूरी नहीं हुई ताकि आम जनता ने समझ में आओ वो मुद्दों मारे और हमारा परिवार के वास्ते इंपॉर्टेंट है। पीने को पानी हर परिवार ने चाहिए, सिंचाई को पानी हर किसान ने चाहिए और मुद्दों मांग मन में बैठना चाहिए। जिस दिन मांग मन में मुद्दों बैठ जाए वो इंपॉर्टेंट है बी दिन भी आपका नेताओं ने सवाल पूछना शुरू करी और बी दिन वे सरकार के माथे दबाव बनाई और आ योजना टाइम पर पूरी हुई। बट आप जैसे पौनेरी से की तो पौनेरी लेन तो RFP पार्टी भी करेगी मैंने दूसरी पार्टियों को ध्यान को नहीं आपने ज़्यादा ध्यान बोला और आज भी जो का भी नहीं बल आगे आगे के बारे में जी कोई जो रणनीति आगे जो आगे वहाँ की रणनीति आई है कि मैं पहली वहाँ को एक पूर्व संगठन को निर्माण करा डूँ और राजस्थान का लगभग हर गाँव में वहाँ की उपस्थिति हुए वहाँ को कार्यकर्ता हुए और समझदार कार्यकर्ता है जो मुद्दा की समझ रखे मैंने सबने ले और मैं लोग जन जागरण करा और अगले विधानसभा को चुनाव बहुत ढंगू चुनाव लड़ा और चुनाव जीत। आप पार्टी को सपोर्ट कर रही हो या स्पेशल के जनता की मांग ने उठाई नहीं मैं दोनों ही काम कर रही हूँ कई बार के जीत वाले बाद में रात गई बात की हाँ कई बार आ राजनीति में करे राजनीति में किया करे जिकी बात आप कह दो आप कायम रहो एक मतलब आप राजनीति सही नहीं कर रही मैं लोग लोकनीति में तो बदलने को कोई टाइम नहीं और जो ये खबर आई भी मिली कि आपने पार्टी एक लिखित में दे दी हाँ बाकी नहीं देते आपने मन में की कोई वास्ता है कि चुनाव में जितना भी घोषणा पत्र जारी हुआ है वह सारा घोषणा पत्र चुनाव के बाद में रद्दी की टोकरी में जाता है। ये वास्ते मान लोग आते हैं मैं लोग माँ का जो का वादा है मन स्टाम्प पर लीगल स्टाम्प लिख कर देवा ताकि अगर माँ बाप पर खरा नहीं उतरा तो कोई भी आदमी कोर्ट में जा माँ के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा। अब कोई भी आदमी तो मुर्ख कोने वाला जो चला लोगों ने हाथ में हथियार पकड़ा है लेकिन मैं पकड़ा रही क्योंकि माँ की नीयत साफ है वास्ते में लिखित कमेंट दे रही है। भारत में पहली बार शुरुआत वेला लोगों के मन में बात आउंड होगी आजकल लोग सरपंच का चुनाव में भी स्टाम्प लेकर घूम रही है कि वो लोग ठा पड़ गई है कि अब जनता उगताएगी इस तरीके का खाली वादा। आप जो मैदान में उतरी है और आप जीत हुई तो सुबह से पहले आप धन्यवाद करने दिए जनता ने या कोर्ट ने जनता ने जनता ने धन्यवाद क्योंकि मैं सारा आपका कोर्ट हो गई क्योंकि सरकार आपके विपक्ष में नहीं नहीं मैं जनता ने पूरा धन्यवाद दे जनता की बात ने माँ की समझी है माँ को सपोर्ट करी और मैं जनता वास्ते अच्छा तरीके काम करा माने दूसरों को लोभ लालच भी कौन सत्ता को मैं सत्ता वास्ते मर रही है ये वास्ते में नीतियों चल रही है समाज में बांटने की नीति मत में काम नहीं कर रही है समाज में जोड़न की नीति मत का मीटिंग में मैं एक खबर होगी कि आप पीओ वाली पार्टी जैसे कि पीओ वाली पार्टी है और आपकी पार्टी एक
अनापाली मैसेज, जैसे कि अलग अलग आप ही समर्थन करो पीओ के बारे में, तो वो एरो क्यों, जबकि लोग तो आपके वादे करें कि आप विकास करो। नहीं, मैं विकास की बात ही कर रही हूँ, मैं पहले ज़्यादा बात भी नहीं कर रही हूँ, मैं केवल विकास कर रही हूँ, लेकिन मां चाह रही हूँ कि विकास सबको हो, पैसे वाला आदमी भी को विकास है और गरीब आदमी भी को विकास है। मैं इस तरीके की नीति कौन बनाना चाहूँगा, मां तो गरीबा के साथ हूँ, अमीरा का दुश्मन है, मैं तो सबके साथ हूँ, राजस्थान को हर परिवार, अगर करोड़पति भी साथ भी है, अगर कोई पैसा कम भी साथ भी है, और मैं चाहूँ दोनों की प्रोग्रेस है, करोड़पति अरबपति बने और जगह अगर पैसा नहीं वो लखपति बने, मैं कुछ आंदोलन किसान आंदोलन मैं लोग किसान आंदोलन के पूरी तरह समर्थन में हूँ, और मैं लोग माना कि जगह कानून बनिया थी किसानों के हित में नहीं है, आपको बहुत ज़्यादा नुकसान किसानों ने होने वाला है, और सन 47 के पहली जगह किसानों ने अधिकार खोनिया भी स्थिति को मैंने पाछो सरकार ले जाने की कोशिश कर रही है, बहुत ही गलत है, और एक कानून बिल्कुल पाछा लिया जाना चाहिए। का प्रोग्राम भी भारत बंद की चर्चा अपने भारत बंद के मैं समर्थन ना भारत को बंद बिल्कुल आपको विरोध प्रदर्शन करने को जायज़ तरीकों है, और लोग आपका विरोध अच्छा ही खबर आ आई है कि किसान आंदोलन में कई लोग ऐसा भी आई है जो भड़काऊ कर दिया, मतलब पालते ने सरकार ने घेरे दिया। ना ना नहीं, कोई अड़क तत्व को नहीं है, जगह भी लोग आंदोलन कर रही है, बहुत ही समझदार लोग हैं, और वे लोग पूरी जानकारी के साथ आया, वे कोई भी भड़काऊ नहीं आया, और बाकी सकल देख भी आप समझ सको, देखो सोशल मीडिया में कैंपेन बांग खिलाफ चल रही है, वो जरूर राजनीति में प्रेरित है, भाई अगर हम कानून गलत भी बना लिया जायज ठहराने की कोशिश कर लिया, बाकी वे लोग बहुत समझदार है और बहुत अहिंसक तरीकों बहुत ढंगों बल्कि भारत की जनता ने एक शिक्षित कर लिया है कि एक अच्छो आंदोलन की प्रकार चला सके। आपने पाल की सरकार विकास के अलावा कोई जनहित में काम करी, खूब सारा काम, बेटियों के प्रति अत्याचार हो रही है जगह जगह, आज हो रहा हाथ जो बाद में बेटी बांधने नहीं निकले, तो आज भी आम बात होगी बिल्कुल, और जबकि पुलिस भी मिली भक्ति वाले कारण बनने माते ना केस भी दिए और ना कोई आरोपी पकड़ी थी, एरो भी कोई सवाल मान लो कि यह योजना के अभिनव राजस्थान के महीने स्थिति ऐसी होनी चाहिए कि हर लड़की ने लागे अगर बस में बैटरी भी लागे कि मैं अकेली हूँ, बाकी 45 सवारी है, कोई हमारा गार्जियन अमन डरने की जरूरत को नहीं, और मैं लोग को सपना दिखाने जा रही हूँ बच्चियाँ ने महिलाओं ने कि रात की 12 बजे 1 बजे हम बस स्टैंड उतर आराम आप घर जा सके, वहाँ कोई तरह की परेशानी नहीं मिला, इनमें समाज की जागरूकता ज़्यादा काम आई, आप सोचोगे पुलिस सारा अपराध रोक ले तो संभव नहीं, पुलिस हर गली को मैं चौकीदारी नहीं कर सके, समाज ने भी चौकीदारी कर ली, मामला ज्यादातर अटे अटे के पैसा फेंको तमाशा देखो, पुलिस प्रशासन बारे जाए जो किया दिया उनको हम जाते हुए दिया और आम आदमी रू नहीं बेतू बनने खिलाफ ना आप रहा मेरे कारण हुआ है कि पुलिस का जो का अधिकारी है कर्मचारी पैसा क्या वास्ते ले रही है, वे पैसा ही वास्ते ले रही है कि वे पैसा इकट्ठा करे और फिर समाज में उनकी प्रतिष्ठा बढ़े, जितने समाज इलीगल तरीकों अर्जित करोड़ा पैसा की प्रतिष्ठा मानेला जितने सब लोग इस तरीकों पैसों कमावे, आप चाहे एक आदमी रिश्वत में पकड़ो दूसरे दिन दूसरा पकड़ी जाए तीसरे दिन तीजा पकड़ी जाए, इन मतलब में पर असर नहीं हो रही है कि भले पकड़े जाओ तो भी आप काम जारी रखा, इन मतलब समाज गलत तरीकों कमाया पैसा की भी वैल्यू करे, मैं लोग चाहूँ अभी ना राजस्थान में समाज ऐड हुआ है जो को ज्ञान की वैल्यू करे, ईमानदारी की वैल्यू करे, जो कला की वैल्यू करे, तो लोग पैसों कमार आपकी वैल्यू बढ़ाने के चक्कर में कम फंसे, ईमानदारी अपना पर से आपने जानकारी है बता दी कि हाथों की वैल्यू है जैसे एक तस्कर रो हक बनो आप लोग कोई है नहीं, मैंने तो सांचौर भी एक जोड़ी लागे और गंगानगर भी एक जोड़ी लागे, अलवर भी एक जोड़ी लागे, मैं तो कोई नहीं खराब एरिया ने नहीं किया करूँ, नहीं कोई आदमी ने किया करूँ, खराब अगर कोई है तो समाज की नहीं, काफ़ी अखबारों में जो खबर आवे जैसे हब बनियो है हब बनियो है तो एरू भी में कोई राजनीति षड्यंत्र नहीं है नहीं, और ज़्यादा कोई बोली रही तो नहीं तो बदलो कर रही है खबर नहीं नहीं, मैं नहीं मानूँ ये तरीके कोई भी राजनेता है जो कोई भी पार्टी का हो तो भाई कोशिश करने लगा भाई तस्करी ने आप बढ़ावा दें मैं बढ़ावा कौन दे, हो सके पुलिस की मेली भगत हो सके लेकिन वे राजनेता ही में प्रत्येक रूप में भाग ले में मने तो एड़ो ध्यान में आप जो हो रही है टोटल सवाल और जवाब दी रहे साहब और मेन सी जनवर कोई से कि आवा बारे जो चुनाव गई बनने में जीत हासिल करनी है और मेन चुनाव जीत और भी पालते आवे दिए और कोई भी जीते कोई भी हारे दिया भी अनर कोई सपना है तो मेन चीज गरीबों तक पहुँचनी चाहिए और उन्होंने हक ने लड़ाई करनी चाहिए, सर आप आरती ज्यादा क्यों मैं लोग आरटीआई सारा केवल कागजा ने ले और आपकी जानकारी बढ़ाने वास्ते ले रही है, आरटीआई को मतलब ही होगा आप सरकार को कागज लो आपकी जानकारी बढ़ाओ और दमदार तरीकों आपकी बात में रखो, ये वास्ते मैं आरटीआई को सारा लाऊं, मैं जबानी बातें कौन करा, जो मैं भीनमाल के पानी की बात करी तो कल जबानी बात कौन करा, मगन कागज है का योजना 2016 में पूरी क्यों कौन हुई जानकारी है, अब दूसरा नेता की तरह मैं केवल आरोप लगा कौन रह जाऊँ, देखो साहब कैसी निकम्मी सरकार पानी नहीं ला रही, मैं कारण भी बताऊँ साथ ही कारणों पानी नहीं आ रही और ये माते अटैक कर आप लेटर पेड माते लिखिन दे रही है स्टाम माते और वन बात थी आप मुकर गया तो नहीं मैं मुकर जाऊँ तो लोग मां खिलाफ केस करी मां खिलाफ केस करी आपके आपके फेवर में पक्ष में आ जाएगी फिर भी वो नहीं कर पाई तो नहीं क्यों नहीं करेगी, उसके बाद भी आप जैसे जागरूक लोग होंगे वो लेके जाएंगे हमारे को कोर्ट में हमारे को सामने हमारे साइन किए हुए लेटर बताएंगे कोर्ट ये तो मानेगा इन्होंने स्टाम पर लिख कर दिया तो वो तो हमारे चुनाव का चुनाव कई स्थिति आप जीत
रावण पर शुरुआत कौन जगह की हुई? हम तो राजस्थान में सभी जगहों से लड़े। राजस्थान में कौन सी सीट लगी? सारी सीटों पर 200 की 200 सीटों पर। आज हो भी वास्ट में नवी पार्टी और भी लॉन्च हुई है अभिनव राजस्थान नाम थे, तो आपने क्यों ना गुणा कि काफ़ी कुछ चर्चा आई, चर्चा में खर्चा भी हुई, खर्चा बाद में जीते बाद में पर्चा भी हुई और भी चीज़ बताओ आपने। कैमरा मैन आर के जी के साथ मारवाड़ी न्यूज़, चलो।